बड़ी खबर इस वक्त की रुद्रपुर से, जहां पर कांग्रेस पार्षद अमित मिश्रा का अपहरण किया गया है। तो बदमाशों ने कॉल कर मांगी 20 लाख रुपए की फिरौती। तो दो दिन पहले किराया वसूलने निकले थे पार्षद, मामला दर्ज कर पार्षद की तलाश में जुटी पुलिस। तो 2 लाख रुपए की फिरौती यहां पर मांगी गई है। तो मामला दर्ज कर पार्षद की तलाश में पुलिस जुट गई है। तो ये बड़ी खबर आपको देहरादून से हम बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस पार्षद अमित को अपहरण किया गया है। बदमाशों ने कॉल कर 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। दो दिन पहले किराया वसूलने निकले थे पार्षद, तभी से गायब है और अब फिरौती यहां पर 2 लाख रुपए की मांगी गई है। तो रुद्रपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, कांग्रेस पार्षद अमित मिश्रा का अपहरण। तो बदमाशों ने 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है। तो पहले बदमाशों ने कॉल किया और उसके बाद 20 लाख रुपए की फिरौती यहां पर मांगी गई है। दो दिन पहले किराया वसूलने निकले थे हमें तो, और इसी दौरान उनका अपहरण हुआ। हालांकि किसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, इस अपहरण को अंजाम दिया है, क्या मंशा है, ये साफ नहीं, लेकिन 20 लाख रुपए की फिरौती यहां पर मांगी गई है। तो 20 लाख रुपए की एक बड़ी रकम की मांग यहां पर की गई है। फिलहाल पुलिस की तरफ से मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच जो है वो की जा रही है। तो ये रुद्रपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस पार्षद अमित मिश्रा का अपहरण किया गया है। बदमाशों ने कॉल कर 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है। तो 20 लाख रुपए की बड़ी रकम की मांग यहां पर की गई है बदमाशों की तरफ से। दो दिन पहले किराया वसूलने निकले थे अमित मिश्रा और इसी दौरान उनका अपहरण किया गया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे किसकी क्या मंशा है, लेकिन जिस तरह से फिरौती की मांग यहां पर की गई है, तो कहीं ना कहीं ऐसे यहां पर एक बड़ी वजह यहां पर हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल पुलिस की तरफ से मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच जारी है। तो रुद्रपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, कांग्रेस पार्षद अमित मिश्रा का अपहरण, बदमाशों ने कॉल कर मांगी 20 लाख रुपए की फिरौती। दो दिन पहले किराया वसूलने निकले थे ये पार्षद और इसी दौरान बदमाशों ने उनका अपहरण कर लिया।